अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें, जिससे कि नई रेसिपीज़ आपको फ़ौरन मिल जाएं। आइए शुरू करते हैं आज की रेसिपी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शिवाज किचन। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही टेस्टी और आसानी से बनने वाली मैंगो पुडिंग की रेसिपी। और जो ये मैं मैंगो पुडिंग बनाऊंगी ना, ये बच्चों को तो बहुत ही पसंद आएगी। तो इसके लिए मैंने ये दो बड़े साइज के मैंगो ले लिए हैं। तो सबसे पहले ये जो मैंने मैंगो लिए हैं, इसे मैं काट लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको आगे का प्रोसेस दिखाती हूँ। मैंगो को मैंने काट लिया है, हाफ मैंगो को मैं इसी तरह से चंक्स में रखूंगी, तो इसे एक साइड में रख देते हैं और जो ये बाकी का हाफ मैंगो है ना, इसकी हम प्यूरी बना लेंगे। तो इसे ट्रांसफर कर लेंगे एक ग्राइंडर जार में और इसकी प्यूरी बना लेते हैं। तो इसकी मैं प्यूरी बना लेती हूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। इसकी जो प्यूरी बनाना है ना, एकदम स्मूथ सी प्यूरी बनाना है, इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं रहना चाहिए। तो ये देखिए, मैंगो प्यूरी जो है ना बनके तैयार है, मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ। देखिए, मैंने इसकी एकदम स्मूथ सी प्यूरी बनाई है, इसमें बिल्कुल भी चंक्स नहीं है। तो इसी तरह से इसकी प्यूरी बनाएं आप। तो चलिए, अब सब चीज़ें रेडी हो चुकी हैं, जो मैंगो पुडिंग है वो बनाना शुरू कर दें। तो ये देखिए, ये मैंने एक पैन ले लिया है और पैन में मैं ऐड कर रही हूँ 2 कप दूध। जो मेजरिंग कप होता है ना, उससे नाप के मैंने 2 कप दूध लिया है, इसे इसमें ऐड कर देंगे। और साथ ही में इसमें ऐड कर देंगे शक्कर। मैं इसमें 3 टेबल स्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। शक्कर ऐड करते वक्त ये ध्यान रखें कि आप एक बार मैंगो को टेस्ट करें, अगर मैंगो बहुत ज़्यादा मीठा है तो आप उसी हिसाब से इसमें शक्कर ऐड करें। कभी कभी ऐसा होता है कि मैंगो कुछ जो होते हैं कम मीठे होते हैं और कुछ ज़्यादा मीठे होते हैं, तो इसलिए जब शक्कर ऐड करें ना, तो एक बार टेस्ट ज़रूर कर लें मैंगो को, उसी हिसाब से इसमें शक्कर को ऐड करें। तो इसे अच्छे से मिक्स कर दें और जो ये दूध है ना, इसे हम बॉयल कर लेंगे। जब ये पकने लगेगा तो उसके बाद फिर मैं आगे का प्रोसेस इसे दिखाती हूँ। तो ये देखिए, दूध में जो है ना बॉयल आ चुका है। इसे मैंने बॉयल आने के बाद 2 से 3 मिनट तक पका लिया था स्लो फ्लेम पर। देखिए कितने अच्छे से पक रहा है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जेलेटिन। ये मैंने अनफ्लेवर्ड जेलेटिन दिया है, इसे इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर दें। और साथ ही में जो है ना, गैस को बंद कर देंगे। मैंने गैस को बंद कर दिया है और जो ये जेलेटिन डाला है ना, इसे मिक्स कर देते हैं इसमें। तो ये देखिए, जो जेलेटिन मैंने इसमें ऐड किया था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे मैंगो। जो मैंगो चंक्स हमने बनाए थे उसे इसमें ऐड कर देना है। इसे एक बार इस तरह से मिक्स कर दें और इसे हम ट्रांसफ़र कर लेंगे डिश में। जिस भी डिश में हमें सेट करना है उसमें इसे हम ट्रांसफ़र कर लेते हैं। तो ये देखिए, इसे मैं इस डिश में ट्रांसफ़र कर रही हूँ। तो ये देखिए, इसे मैंने ट्रांसफ़र कर दिया है इसमें डिश में। तो इसे एक साइड में रख देते हैं और जब ये थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो इसे करीब 10 से 12 मिनट के लिए फ्रिज में रख देंगे, जैसे ये हल्का सेट हो जाए। फिर इसका आगे का प्रोसेस शुरू करेंगे। और जो थोड़ा सा इसका मिक्सचर था ना, वो बच गया है, तो उसे मैं ट्रांसफ़र कर लेती हूँ ये कपकेक मोल्ड में। ये मेरे पास छोटे छोटे से कपकेक मोल्ड है, इसमें ट्रांसफ़र कर लेंगे। आप जिस तरह से चाहें इसे सेट कर सकते हैं, यह आपकी पसंद के ऊपर है। ये देखिए, इस तरह से मैं इसमें डाल देती हूँ। तो ये देखिए, मैंगो प्यूरी जो हमने बना के रखी थी उसे भी हम एक पैन में ट्रांसफ़र कर लेंगे। और साथ ही में इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1/4 कप पानी। इसमें हम 1/4 कप पानी ऐड करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लें। तो ये देखिए, जो पानी इसमें डाला था वो अच्छे से मिक्स हो चुका है और जो इसकी फ्लेम है ना, बिल्कुल स्लो पे है। और अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ शक्कर। ये मैंने करीब 1.5 टेबल स्पून शक्कर लिए, इसे ऐड कर देंगे। और जब ये पकने लगेगा तो फिर हम बाकी की चीज़ें ऐड करेंगे। और जो ये शक्कर है ना, अपने टेस्ट के हिसाब से आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर आपको मैंगो ज़्यादा मीठा लग रहा है तो इसकी क्वांटिटी को कम कर लें, और अगर मैंगो ज़्यादा मीठा नहीं है तो इसकी क्वांटिटी को थोड़ा सा बढ़ा लें। जैसा भी मैंगो, उस हिसाब से इसमें शक्कर ऐड करें आप। जब ये हल्का सा पकने लगेगा तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये देखिए, मैंगो प्यूरी जो है ना, ये पकने लगी है। आप देखें इसमें जो है बबल्स आने लगे हैं। तो अब इसमें मैं थोड़ा सा येलो फूड कलर ऐड कर रही हूँ, जिससे इसका कलर अच्छा सा आए। ये ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। सिर्फ 2 से 3 ड्रॉप ही ऐड कर दें और इसे भी मिक्स कर दें। इसमें देखिए, इसका कितना अच्छा कलर हो गया।
और अब इसमें हम ऐड कर देंगे जेलेटिन। ये मैंने 1 टेबल स्पून जेलेटिन दिया है, अनफ्लेवर्ड जेलेटिन है ये। इसे इसमें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लेंगे और गैस को ऑफ कर देंगे और इसे अब हम मिक्स कर लेंगे। तो ये देखिए जेलेटिन को मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया है और ये बिल्कुल तैयार है। और अब इसे हम ट्रांसफ़र कर देंगे पुडिंग के ऊपर। तो ये देखिए जो मैंगो प्यूरी मैंने तैयार की है उसे थोड़ा थोड़ा इसके ऊपर हम डाल देते हैं ऊपर से। इसे मैंने करीब 15 मिनट के लिए फ्रिज में रखा था जिससे इसके ऊपर की लेयर हल्के से सेट हो गई। पूरी तरह से भी ये सेट नहीं हुई, हल्की हल्की सी सेट हुई है। पूरी तरह से सेट होने के लिए हम बाद में रखेंगे इसे। तो ये देखिए इस तरह से हम इसे ऐड कर देते हैं इसके ऊपर। तो ये देखिए मैंने इसमें जो है ना प्यूरी ऐड कर ली है। अब इसे थोड़ा सा गार्निश और कर लेंगे, जिससे भी आपको पसंद हो उससे इसे गार्निश कर लें। आप चाहें तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी ऐड कर सकते हैं या फिर इसमें टूटी फ्रूटी जेली, जो भी आपको पसंद हो उसे ऐड कर सकते हैं। तो ये देखिए कितने अच्छे दिख रहे हैं ना, ज़बरदस्त से। तो इसे तो गार्निश करके मैं अब रखने जा रही हूँ फ्रिज में करीब 1 से 1.5 घंटे के लिए, जिससे ये अच्छे से सेट हो जाए। हमें इतनी देर रखना है इसे फ्रिज के अंदर कि अच्छे से सेट हो जाए। तो इसे अभी मैं एक साइड में रख देती हूँ और ये जो मैंने बनाई थी ना पुडिंग, अब इसमें जो बाकी की जो प्यूरी है ना उसे ऐड कर देंगे। जितनी भी प्यूरी है इसमें ऐड कर देते हैं। और आप ये देखिए ये अभी पूरी तरह से सेट नहीं हुआ, ऊपर से ही हल्का हल्का ये सेट हुआ है, क्योंकि सिर्फ 10 से 15 ही मिनट हमने इसे फ्रिज में रखा है। इस तरह से ऐड कर दें इसमें। तो ये देखिए मैंगो प्यूरी को मैंने इसमें ऐड कर दिया है और इसे भी मैं गार्निश कर लेती हूँ। आपको जिस तरह से पसंद हो उस तरह से गार्निश कर लें। मैंने ये चेरी ली है उसे इसमें ऐड कर रही हूँ इस तरह से, ये देखिए। तो ये देखिए इसमें मैंने चेरी को लगा दिया है और ये लिया है मैंने थोड़ा सा डेजिकेटेड कोकोनट, इसे इस तरह से सब तरफ डाल देंगे इसके। तो ये देखिए मैंगो पुडिंग को मैंने गार्निश कर लिया है और अब इसे मैं रखने जा रही हूँ सेट होने के लिए फ्रिज में। जब ये अच्छे से सेट हो जाएगी फिर मैं आपको इसे निकाल के दिखाती हूँ। तो ये देखिए मैंगो पुडिंग जो है ना बहुत अच्छे से सेट हो चुकी है। ये जो मैंगो पुडिंग है बनती बहुत जल्दी से है, बस जो कुछ टाइम लगता है ना इसे सेट करने में लगता है। और आप देखिए कितनी कलरफुल सी बनी है और बहुत ही टेस्टी होती है। तो आप लोग इसे ज़रूर ट्राई करें अपने किचन में, आप लोगों को बहुत पसंद आएगी। तो चलिए अब इसे किस तरह से सर्व करना है वो मैं आपको दिखाती हूँ। और अब इसे जो है ना हम पीसेस में काट लेंगे। तो ये देखिए इसे मैंने काट तो लिया है, अब इसे निकाल के आपको दिखाती हूँ। और ये बहुत ही आसानी से निकल आती है, एकदम सेट हो चुकी है बहुत अच्छी तरीके से। तो आप देखिए कितनी अच्छी दिख रही है ना, ज़बरदस्त सी मैंगो पुडिंग। तो आप लोग जल्दी से अपने किचन में इसे ट्राई करें। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगी। और देखते रहें मेरे चैनल को इसी तरह की टेस्टी टेस्टी रेसिपीज़ के लिए। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, साथ ही में मेरे वीडियोज़ को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इंजॉय करें मज़ेदार सी मैंगो पुडिंग विश शिवाज किचन। थैंक यू।